जमशेदपुर पुलिस ने रंगदारी वसूलने वाले दो अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इनके द्वारा एक व्यापारी से रंगदारी वसूलने का प्रयास विगत कुछ दिनों से किया जा रहा था। इसकी जानकारी जमशेदपुर नगर पुलिस अधीक्षक ने एक वार्ता के दौरान दी। बताया जाता है कि बनवारी लाल गुप्ता नामक एक व्यापारी से फोन पर रंगदारी की मांग की जा रही थी, साथ ही नहीं देने पर अपहरण करने और जान से मारने की धमकी भी दी जा रही थी। मामले के अनुसंधान के क्रम में पुलिस ने कांड में संकलित दो अभियुक्त हिमांशु तिवारी और युवराज कुमार को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से दो मोबाइल भी बरामद किया है। फिलहाल दोनों अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इनका मानव थाना में कंप्लेन आया था कि 13 तारीख को इनको, इनका एक पेंट का दुकान है गुप्ता एंड सन्स करके, और 13 तारीख को इनको तीन अज्ञात नंबर से फोन करके रंगदारी का डिमांड होने लगा था और धमकी दिया जा रहा था कि 2 लाख रुपया दीजिए, नहीं तो आपके बेटा को किडनैप करके उसका मर्डर कर दिया जाएगा। तो भय में आके इन्होंने 5000 रुपया फोन पे भी कर दिया था इनमें से एक नंबर पे, और पुलिस को सूचना इन्होंने 17 अक्टूबर को दी थी। तो सीनियर एसपी सर के डायरेक्शन के अंडर हमने एक टीम बनाई थी जिसमें डीएसपी हेडक्वार्टर 1 भोला जी थे और इंस्पेक्टर मानगो के निरंजन थे और बाकी इनकी टीम थी, मानगो थाना की टीम थी। हमने रेड किया और इसमें हमने दो लोगों को अरेस्ट किया है। एक है हिमांशु तिवारी, ये गढ़वा से है, और दूसरे है युवराज कुमार, ये है बर्मा माइंस थाना क्षेत्र से, ये जमशेदपुर के ही है। और बरामद भी में हमने दो मोबाइल फोन बरामद किया है, एक मोटोरोला कंपनी का है और एक एप्पल कंपनी का है। ये जो दोनों मोबाइल है इन्हीं को यूज करके रंगदारी का डिमांड किया जा रहा था, और इसी में डीएसपी साहब के नेतृत्व के अंदर में बहुत जल्दी एक नया जो गैंग बन रहा था जो फिर से रंगदारी का काम, डराने धमकाने का काम कर रहा था, उसको जमशेदपुर पुलिस ने पकड़ लिया। पूर्व में कोई भी आपराधिक इतिहास इन दोनों में से किसी का नहीं है। ये नया गैंग था जो ट्राई कर रहे थे कि अपना एरिया में वर्चस्व बनाना शुरू